तो दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग आए हैं घूमने के लिए, और आप देख रहे हैं कि देखिए ये नहर में भी पानी जो है कि बिल्कुल सूख गया है। हम आपको दिखा रहे हैं नहर, देखिए नहर में जो है कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये पुल है, ये नेशनल हाईवे NH 57 है ना? हाँ, ये सुफियान है। अच्छा सुफियान, बताइए आप जो है कि अपने जो सब्सक्राइबर है उनको क्या बताना चाहते हैं आप ब्लॉग वीडियो के ज़रिए? ब्लॉग वीडियो के ज़रिए क्या बताएंगे, हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ पर भी घूमने के लिए जाएंगे ना अपडेट देते रहेंगे। जैसे अभी हम फ़िलहाल आए हैं हरियाबारा रहमत नगर, जिसको हाईवे है ये रूट, यहाँ से जाके चंद्रदेव वाले रोड से मिलता है RS स्टेशन रोड जाने के लिए, तो ये वही रोड है। देखिए इधर से आदमी आ रहा है, और इधर मैदान देखिए, यहाँ पर जो मुल्की इज्तिमा के नाम से हुआ था लगभग 2013 में ये वही मैदान नज़र आ रहा है आपको, दिखाएंगे। शायद आप भी आए होंगे कोई जो मेरा सब्सक्राइबर में से है, या जो व्यूअर से उसमें भी कोई आए होंगे। और इधर देखिए सामने आदमी सब रुका हुआ बाइक लेकर के, और इधर से आना जाना बराबर होता है। हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, इधर नहर का पानी बिल्कुल सूख गया है, और इधर बस्ती का नज़ारा देखिए कैसा, बहुत अच्छा मौसम है। ये कौन सी बस्ती है बता सकते हैं? ये बस्ती गोड़ी चौक खरिया बस्ती। इधर तो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, और गांव क्या कहते हैं वो नर्सरी है। हाँ, और हम आपको भी नर्सरी में ले जाएंगे, उसका भी नज़ारा दिखाएंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि जो है कि आम कटहल कुछ लेना चाहते हैं, तो आप जो है कि हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको ले जाएंगे। सब आ रहा है, और ये काफ़ी ये चालू रोड है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। अररिया कोर्ट जो स्टेशन है, अररिया से डायरेक्ट पूर्णिया, अररिया कोर्ट स्टेशन से जो है कि ये जो है ज्वाइनिंग है, और ये रोड आपको जो है कि हाईवे तक ले कर चले जाती है, जो हाईवे अररिया पूर्णिया कटिहार तक जाती है। तो हम आपको भी दिखाते हैं, ले जाते हैं अंदर। तो देखिए हम नर्सरी के अंदर आ गए हैं, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा जो है कि ये देखिए फूल का भी पेड़ है, और नारियल वगैरह कोकोनट जो होता है, आम का भी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको नर्सरी के अंदर एंट्री करा चुका है। सामने देखिए कितना अच्छा अच्छा पेड़ लगा हुआ है, हर चीज़ का पेड़ मिलेगा आपको, आम का है। इधर देखिए सामने फूल का दरख्त है, और ये देखिए शायद ये खजूर का गाछ है। और इधर देखिए सामने कितना अच्छा अच्छा कटहल का गाछ है, देख सकते हैं आप जो है कि हाफिज़ साहब जो है कि दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हर तरह का जो है कि पेड़ मिलता है, आप जो है कि लेना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको देख सकते हैं कितना अच्छा। इसको लिप्टिस का पेड़ बड़ा रहता है, देखिए ये झुनझुना का पेड़ है, ये देखिए ये कटहल का पेड़, देखिए सामने कितना बड़ा नज़ारा। अभी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ हैं जो अभी लगाया जा रहा है, यानी कुछ दिन में ये बड़ा हो जाएगा, देखिए है ना, ये अभी इसका लगाया जा रहा है, और कुछ दिन के बाद ये जो है कि बड़ा हो जाएगा। ये पपीता का पेड़ है। ये देखिए पपीता का पेड़, अगर आप इसको पहचानते हैं तो पहचानने वाला ज़रूर पहचान लीजिएगा। देखिए आप कमेंट करके बताइए कि है ये किस चीज़ का पेड़। तो गाइज आपको हमने दिखाया, और ये जो है कि ये नर्सरी नेशनल हाईवे के बगल में है गोड़ी चौक के पास। आप भी अगर यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए, और आप मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू, लाइक कीजिए।